बारिश से शहर में जगह जगह हो जाता है जल भराव। भीषण बारिश हुई तो क्या होगा शहर का हाल, पेश है ये रिपोर्ट। निगम की भ्रष्टाचार की पोल खोल का एक विशेष अभियान साक्ष्य न्यूज ने चलाया, जिसमें संवाददाता संत सरन सिंह रामू ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि हल्की बरसात के बाद शहर की हालत यह है। तो अगर भारी बरसात हुई तो क्या होगा जल भराव की स्थिति से, लोग कैसे निजात पा पाएंगे, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से हम दिखा रहे हैं आपको कि हल्की बूंदाबांदी, जो कि 3 दिन पहले हल्की बरसात हुई थी, उसके बाद आज तक जल भराव की स्थिति जगह जगह देखी जा रही है। नालियां अब चौक हैं, गली मोहल्ले में जल भराव की स्थिति है, लोग बचाव से निकल रहे हैं। जिस तरह नगर निगम की एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, जून में मई में एक व्यवस्था होनी चाहिए थी नालों की सफाई का, वो नहीं कराई गई। खास बात यह है, बताया जाता है कि नए तरीके से टेंडरिंग कराकर बंदर बांट किया गया है सफाई व्यवस्था को लेकर, जिसमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी और नगर आयुक्त दोनों ही मिले हुए हैं और दोनों ने एक बंदर बांट करते हुए सफाई कार्य की एक खेप को पचाने का कार्य किया है। हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट है, इसके माध्यम से लोग कितने परेशान हैं हम ये दिखाएंगे, लोग क्यों परेशान हैं ये दिखा रहे हैं और लोग क्या चाहते हैं। जो बरसात हो रही है और गलियों में भी लगभग जल भराव हो रहा है कहीं, तो जल भराव की समस्या को किस तरह का व्यवस्था की? जल भराव अगर पानी बहुत बरसता है तो हम लोगों ने नालियों की जो है कलिहार सफाई करा दी है, बड़े नालों की छोटे नालों की। अगर पानी बरसता है तो जहाँ जहाँ कैचिंग एरिया है, जहाँ जहाँ लो लाइंग एरिया है, जहाँ पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, उसके लिए हमने 20-22 ट्रॉलियाँ हैं, मड पम्प हैं, जेटिंग मशीन है, वो हमने बिल्कुल तैयार कर रखी है, सब सही हालत में दुरुस्त है। अगर कहीं ऐसी नौबत आती है कि जल भराव अत्यधिक ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है, तो हम लोग वहाँ पर पम्प लगा कर पानी निकालेंगे। फिलहाल पूरे शहर की नालों की तलीहार सफाई कराई जा चुकी है, हमारे साथ माननीय विधायक जी श्री मनीष हंसिया जी द्वारा, उनके निर्देशन में चूंकि पूर्व में नालों की सफाई इनके द्वारा कराई गई थी, उनसे मार्ग निर्देशन लेकर के रात रात भर नालों की सफाई कराई गई है। और इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अब कोई जलभाव की स्थिति उत्पन्न नहीं।